तो फाइनली दोस्तों मुझे जो है एडसेंस का पिन मिल गया है। अरे बस करो यार, पिन मिला है, कुबेर की चाबी नहीं मिला है। तो दोस्तों इस पिन को आने में कितना दिन लगा और इस पिन से गूगल एडसेंस का एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए और एक प्यारा सा लाइक करके कॉमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस पिन को आने में आखिर समय कितना लगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जब आपके एडसेंस में $10 पहले नियम था, लेकिन अब ऐसा नियम आ गया है गूगल एडसेंस की तरफ से, आप जैसे ही यानी जिस दिन आप जो है अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेंगे उसी दिन आपके एड्रेस पे जो है पिन को भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे जो है यह पिन 9 जून को भेजा गया था और लगभग जो है ये 1.5 महीने से भी ज्यादा समय लग गया मेरे पास पिन को आने में। तो आप समझ सकते हैं अभी पूरा दुनिया में जो है लॉकडाउन लगा हुआ है और इसकी वजह से जो है पिन को आने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आपके पास जो है पिन 1 महीने में पहुंच सकता है, 10 दिन में भी पहुंच सकता है, 2 महीने में पहुंच सकता है, 1.5 या फिर 3 महीने में। अगर आपके पास 2 या 3 महीने तक पिन नहीं आता है तो आप फिर रिसेंट पिन भी कर सकते हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं कि एड्रेस वेरिफिकेशन जो है इस पिन को डालकर कैसे करते हैं एडसेंस अकाउंट में। दोस्तों सबसे पहले आपको एडसेंस अकाउंट ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप ऊपर देखेंगे लिखा हुआ रहेगा योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस। तो उसके जस्ट नीचे जो है बैलेंस आएगा, बैलेंस के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस और यहाँ पर आपको कब जो है पिन सेंड किया गया डेट लिखा हुआ मिल जाएगा। और आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद अब आपके पास जो पिन आया है उसमें 6 डिजिट का कोड रहता है, उस कोड को योर पिन के बॉक्स में आपको डाल देना है। आपको सही सही डालना है क्योंकि आप अगर गलती करेंगे तो 3 बार आपको मौका मिलेगा, तो इसलिए आपको 1 बार में ही जो है कंप्लीट कर लेना है। इस पिन को चलिए डाल लेते हैं अच्छे से। जैसे दोस्तों आप इस पिन को डालेंगे, इस पिन को डालने के बाद अब दोस्तों सबमिट पर क्लिक करना है। मैं आपको बता दूँ ये सेम टू सेम जो पिन है सबका अलग अलग पिन रहता है, इसलिए आप किसी और का पिन अपने एडसेंस अकाउंट में डालने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपका एडसेंस जो है डिसेबल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पिन जो है डालने के बाद अब आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो है योर बिलिंग एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड, पिन जो है करेक्ट हो चुका है। यानी कि अगर आप अपने एडसेंस को आप फिर से जो है यानी कि रिफ्रेश करेंगे, एक बार आप क्लोज कर दीजिए फिर से ओपन करके देखिए एडसेंस को, तो एडसेंस अकाउंट जैसे ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो है आपका एड्रेस वेरिफिकेशन का जो यानी ये जो लिखा हुआ आ रहा था योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपको शो नहीं करेगा। तो यानी कि आपका जो है एड्रेस वेरिफिकेशन जो है वो हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है पिन से जो है अपना एड्रेस वेरिफिकेशन जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।